नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल वाटर अफर्मेशन की एक अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं, जहां पर सबने मना कर दिया था, इनके खुद के मन ने मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी पावर को वापस से जगाया और वाटर अफर्म करके पीना और यूज करना शुरू कर दिया और मैजिक हो गया। चलिए देखते हैं क्या है। इन्होंने लिखा है कि प्लीज आप मेरा नाम शेयर नहीं करें जब आप मेरी ये सक्सेस स्टोरी शेयर करें। थैंक यू सो मच दीदी, आपके वाटर अफर्मेशन का वीडियो मैंने देखा था और उसने आज मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है। एक्चुअली मेरे पैर में एक घाव हो गया था और डॉक्टर ने बोला था कि मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, उस वजह से ये हुआ है। और 1.5 साल तक पूरा ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो घाव बढ़ता ही जा रहा था, इतना बढ़ गया था कि अब वो मेरी बोन तक को पेन देने लगा था, मेरी हड्डी तक में दर्द होता था अपने पैर की। अब कंडीशन ये आ चुकी थी कि अब मैं चल तक नहीं पा रही थी और डॉक्टर ने बोला था कि इसको रिमूव करने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा ही डर गई क्योंकि ऑपरेशन में वो मेरे पैर का पूरा हिस्सा ही काटने वाले थे, इसके बाद शायद मैं कभी भी ना चल पाती क्योंकि वो जो घाव था वो मेरे पंजे के नीचे वाली जगह पर था और वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब उसमें इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो मेरे पैरों के ऊपर तक दर्द पहुंचा रही थी और वो मेरी बोन में महसूस होता था। मैंने आपका वाटर अफर्मेशन वाला वीडियो देखा और उसके बाद में जो भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें मैंने वाटर को अफर्म करके पीना शुरू किया और जब भी मेरी ड्रेसिंग होती थी तब मैंने ऑइंटमेंट को जो डॉक्टर लगाते थे, मेरे घर पर ही नर्स आती थी लगाने के लिए, और मैंने उसके हाथ से उसको लेकर के मन ही मन में अफर्म करना शुरू किया और मैं उस टाइम पर महामृत्युंजय मंत्र का चैंट भी करती थी और मैं मन ही मन में बोलती थी कि बस मेरा पैर ठीक हो गया है। और नर्स आ करके बोलती थी कि आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लो, ऑपरेट करवा लो, वरना ये और ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा और धीरे धीरे करके आपको और ज्यादा तकलीफ होगी। तब मैंने उस नर्स से बोला आज के बाद प्लीज मुझे ये बात आप 1 महीने तक नहीं बोलना, अगर 1 महीने में ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद जाऊंगी और आपकी बोली हुई बात पर जरूर काम कर लूंगी, आप प्लीज आराम से ड्रेसिंग करो और मुझे मंत्र बोलने दिया करो। बस यही चलता रहा, मैं रोज अफर्म करती, रोज पानी पीती, रोज डेली ड्रेसिंग के टाइम पर मैं उस ऑइंटमेंट को भी अफर्म कर देती, वो जिस पानी में डेटॉल डाल करके क्लीन करती थी उसको भी अफर्म कर देती। मैं उससे हर चीज मांगती, वो मुझे पागल समझने लगी थी, लेकिन इस चीज का नतीजा ये हुआ कि 1 ही महीने में मुझे इतना रिलैक्स तो आ गया था कि अब मेरी हड्डी में दर्द बंद हो गया था। ड्रेसिंग के बाद में अब मैं चल रही थी, हाँ मैं पकड़ पकड़ करके चल रही थी लेकिन अब मैं चलने लगी थी। इस चीज ने मेरे यकीन को बढ़ा दिया और विद ट्रीटमेंट मैं लगातार इसे करती रही। आज जो मैं सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूं इसको करते करते पूरा 1 साल हो चुका है और आज मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अब मैं स्कूटी चलाती हूँ और मैं खुद ड्राइव करके जाने लगी हूँ। अभी भी थोड़ा सा घाव तो है लेकिन हाँ इतना हो चुका है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो रही हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की नौबत के लिए मना कर दिया है, उस वाटर अफर्मेशन ने मेरे ब्लड तक को प्योरीफाई कर दिया। मैं दवाई को भी अफर्म करके पीती थी तो उसने भी काम दिखा दिया और अब मेरे रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि अब मुझे ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये सचमुच में एक मैजिक नहीं है? क्या ये एक जादू नहीं है? क्या यूनिवर्स ने मेरे साथ में एक बहुत ही खूबसूरत खेल नहीं खेला है जहां पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज के बारे में पता चला है और उसने मेरी जिंदगी बदल दी है? थैंक यू सो मच शांभवी दी, आपने हमेशा ही मेरे डीएम्स में बहुत मदद की है और आपने उसको देखा भी है, जो घाव मैं किसी को भी दिखाना नहीं चाहती और कोई भी ना देखे ऐसा चाहती हूँ, लेकिन आपने उसको देखा और मुझे अच्छे से सलाह भी दी। थैंक यू, आपको मैं जितना भी थैंक यू बोल सकती हूँ उतना मैं आज की सक्सेस स्टोरी में भी बोल रही हूँ और आप डीएम में मेरे वॉइस नोट्स भी सुन लेना। मैंने आपको
दिल से अपनी बड़ी बहन मान लिया है और मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। मैं सचमुच में अब जब चल करके जाती हूँ ना, मेरे मन में इतनी खुशी होती है। लेकिन आज भी मैंने वाटर अफर्मेशन और ऑइंटमेंट मुझे अब भी लगता है, ड्रेसिंग मेरी अब भी होती है, लेकिन अब बहुत कम चीजों के साथ में अब कम कम चीजें ही फॉलो करनी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट भी अब बहुत छोटा हो गया है, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ और बहुत जल्दी ही पूरी तरह से ठीक भी हो जाऊंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वाटर अफर्मेशन, थैंक यू इतनी सुंदर कहानी देने के लिए, थैंक यू सो मच डियर। क्या बोलूँ मैं, मुझे अच्छी लगी आपकी सक्सेस स्टोरी एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ में इसको शेयर करने के लिए। यस, मैंने इनके पिक्चर्स देखे हैं, मैंने इनकी तकलीफ देखी है और वो तकलीफ बहुत ज्यादा तकलीफ वाली थी, बहुत ज्यादा तकलीफ वाली। देख के दर्द हो रहा था, देख के दुख आ रहा था, लग रहा था बस ये बच्ची ना चल पड़े और ठीक हो जाए बस किसी तरीके से। और मन से यही निकलता है जब हम किसी को ऐसे देखते हैं तो। खैर, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत ताकत दिखाई, 1 महीने के अंदर ही बोन्स में जो दर्द फैल रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। ये होती है विश्वास की ताकत, ये होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है उसकी ताकत। लोगों ने कैंसर तक ठीक किया है इस चीज से, यानी कि ये करता है बहुत पावरफुल तरीके से काम। तो ये करता है काम। तो अगर हेल्थ के किसी भी मामले से आप जूझ रहे हैं, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई तो हम कैसे अफॉर्म करें, वो प्रॉब्लम हो गई तो कैसे अफॉर्म करें, पीरियड्स का इशू हो गया तो कैसे अफॉर्म करें, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो कैसे अफॉर्म करें, एक ही अफर्मेशन काफी है मेरे दोस्त। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, बस इतना ही वाटर को अफॉर्म करना है और पी जाना है। क्योंकि बहुत बार होता है मैं मैसेज नहीं देख पाती, बहुत बार होता है मैं मेल्स नहीं देख पाती, तो आपको रुकना नहीं है, आपको इसी अफर्मेशन के साथ में आगे बढ़ जाना है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो वो बीमारी, वो कष्ट भी आपके शरीर में नहीं है, वो चीज भी आपके शरीर में नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो आप इस वाली अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर कोई तकलीफ ज्यादा है, विद ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह लेते हुए उसके बाद ये घर पर करते रहें, अपने विश्वास को बढ़ाते रहें और फिर देखें कि कैसा होता है दुगनी रफ्तार में मैजिक। थैंक यू सो मच डार्लिंग, अपनी कहानी आपने हमारे साथ शेयर की। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।